ભાવનગરમાં એનડીઆરએફ ટીમનું આગમન. વર્તમાન ચોમાસાના માહોલ લઈને આગામી સમયમાં ભારે વરસાદ સહિતની કુદરતી આપત્તિઓ સમય રાહત અને બચાવ કામગીરી અર્થે એનડીઆરએફની ટીમ ભાવનગર આવી પહોંચી છે. આ ટીમ શહેર જિલ્લામાં સંભવિત મુશ્કેલી સમયે તુરંત પહોંચી જશે. રિપોર્ટર ફિરોઝ મલિક, ભાવનગર. मैं इंस्पेक्टर रंजीत सिंह पटेल, सिक्स बटालियन एनडीआरएफ बड़ोदरा से हूँ और मेरे साथ 30 रेस्क्यूअर की टीम है यहाँ पर जो मानसून डिप्लॉयमेंट में भावनगर आई है. सर, खास आज आप भावनगर में एनडीआरएफ की टीम पहुँची है, सर उसकी खास वजह क्या होगी? अभी मानसून में ये हमारा रूटीन ड्यूटी, जब भी मानसून होता है तो गुजरात में मानसून में जब कभी भी कोई बाढ़ की स्थिति बनती है तो हमारी टीम पहले से वहाँ जिले में उपस्थित होती है और उस समय जो भी बाढ़ की स्थिति दृष्टिकोण से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको हम लोग जाके देख लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग क्विक रिस्पॉन्स कर सकें. सर, कस आप जब यहाँ पहुँचे हैं बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो आपके साथ पहुँचे, कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो आप लाते हैं, क्या है? हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो चार अलग अलग सेगमेंट में है. फर्स्ट जो बाढ़ से जो संबंधित इक्विपमेंट है उसमें हमारे पास बोट है, OBM है, मशीन है हमारी, उसके बाद लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट और हमारे पास डीप ड्राइविंग सेट भी है. यदि कोई विक्टिम नीचे पानी में डूब जाता है तो हमारे पास ऐसी कैपेसिटी भी है कि हम नीचे से उसको निकाल सकते हैं. उसके बाद कोलैप्स स्ट्रक्चर वाला कोई इशू बनता है बाढ़ के दौरान तो हमारे पास कई प्रकार के कटिंग इक्विपमेंट है जिसमें सीमेंट को हम काट सकते हैं, टीना को काट सकते हैं, एंगल कटर है हमारे पास और यदि कोई पेड़ वगैरह गिर जाता है बाढ़ के दौरान रास्ता क्लियर करना हो तो हमारे पास लकड़ी काटने वाले इक्विपमेंट भी है. तो इस प्रकार के CSR के भी कई इक्विपमेंट है. उसके अलावा हमारे पास मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्ड का बैग भी है जिसमें हम लोग किसी प्रकार अचानक यदि किसी को फर्स्ट एड देना पड़े तो हम लोग वो भी देने में सक्षम है. और हमारे जो रेस्क्यूअर है वो मेडिकल में भी ट्रेंड है, MFR ट्रेंड है. इसके अलावा एक हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट भी है, QD क्यूब डिप्लॉयमेंट एंटीना, जो यदि बाढ़ के दौरान यदि कोई कम्युनिकेशन ठप्प हो जाता है तो हम लोग हमारा खुद का कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं और उस दौरान हम लोग सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सर, सबसे बड़ी बात, आपकी टीम जो यहाँ पहुँची है तो आपको यहाँ कितने दिन के स्टे का ऑर्डर मिला है और आपकी पूरी टीम है उसमें कितने मेंबर हैं? हम लोग कुल 30 मेंबर हैं और साथ में हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ भी है, असिस्टेंट कमांडेंट श्री विक्रम चौधरी साहब. इसका अभी मानसून जो IMD ने जो प्रेडिक्शन दिया है कि मानसून होगा तो वैसे हम लोग यहाँ स्टे किए लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कहीं मूव करना पड़ा तो वो लोग भी हम लोग मूव करते हैं लेकिन ये हमारा जो स्टे है वो मानसून पूरे सीजन के लिए है. सर, आपके बटालियन का नाम क्या है और कितने हद तक आप शायद आपने 2-3 साल में रेस्क्यू किए होंगे और कौन सा जो यादगार रेस्क्यू है वो आप कर रहे हो? हमारी बटालियन का नाम 6 NDRF बड़ोदरा है जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बोलते हैं. और वैसे तो मानसून के दौरान हम लोगों ने कई रेस्क्यू किए हैं लेकिन आपने पूछा तो मैं एक इंसिडेंट जो 2022 में हुआ था जूनागढ़ में वंथली में एक ओजत नदी है उसमें 4 लोग फंसे हुए थे और उस समय हम लोग जूनागढ़ में रेस्क्यू कर रहे थे तो मेरा डिप्लॉयमेंट कहीं दूर था लेकिन उन लोगों की जब डिमांड है कि 4 लोग निकल नहीं पा रहे हैं, प्रशासन ने गाइडलाइन दी थी कि आप लोग निकल लो लेकिन वो निकले नहीं थे. फिर अचानक हम लोगों की टीम गई थी और हमने काफ़ी अंदर थे वो लोग और उनको हमने 4 लोगों को जिंदा बचाया. सर, एक लास्ट सवाल, आपकी रेस्क्यू टीम है, आपने कई रेस्क्यू किए होंगे, सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है और कौन सी सिचुएशन में आती है कि जब आपकी टीम को भी बड़ी दिक्कत सहन करनी पड़ती है? नहीं, वैसे तो हम लोग किसी भी बाढ़ के किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए ट्रेंड है लेकिन ज़्यादा दिक्कत हमको तब होती है जब हम लोग कहीं जाते हैं, हमको अनुमान होता है कहीं से या कहीं से सूचना होती है कि ऊपर के डैम का पानी छोड़ा जा रहा है और प्रशासन उनको गाइडलाइन देता है बार बार कि आप लोग को एरिया को खाली कर दो, जो खासकर जो लो लाइन एरिया है जहाँ पर जल भराव की स्थिति बनती है लेकिन जो स्थानीय निवासी है वो बाहर नहीं निकलते तो उस समय हम लोगों को उनको ये कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है, उनको समझाना कि अभी आप यहाँ से निकलिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है. ज़्यादा हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो जनरली मानते नहीं हैं तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी जनता को बताएं कि यदि प्रशासन यदि कोई गाइडलाइन जारी कर रही है तो उसको कॉपरेट करें और यदि लो लाइन एरिया में यदि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ सकती है तो उसको माने और समय से उचित स्थान पर आ जाए ताकि उनकी कोई जान माल